आज भारत में सबसे कृष्ण जी को लेकर जो सबसे महान पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिन आज है और इस वक्त हम आज मौजूद हैं इस्कॉन टेंपल में जिसपे श्री श्री राधा रमण मंदिर के नाम से जाना जाता है जो कि लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिए छोटे से कान्हा जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? इतिशा। इतिशा आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? लखनऊ से। मैम जैसे आप यहाँ पर कोई कार्यक्रम है जो आप इनको कृष्ण जी की तरफ बना कर लाए? नहीं, ये कृष्ण भक्त है, सबसे छोटे कृष्ण भक्त, तो इनको हम कृष्ण भक्त बना के लाए हैं बस। तो आपकी जैसे इस्कॉन टेंपल को लेकर क्या आपकी भावनाएं हैं या आप जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कृष्ण में बस हम घुस जाते हैं ना, एक बार कृष्ण हो गए तो कृष्ण प्रेम है, प्रेम कृष्ण है, तो मुझे लगता है बस वही है, हर जगह कृष्ण है आज तो राधे राधे। तो जिस तरह से देखा आपने कि यहाँ पर बहुत ही अभी इस वक्त भीड़ भी है, कई सारे यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, यूथ को लेकर यूथ फोरम भी है जिसमें कि लोग उनमें ऐड हो सकते हैं, जो उनके वैदिक कोर्सेज हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और भी जो यहाँ पर जो कि यूथ है, जो कि यहाँ के वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, कई सारे भक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि अभी अभिषेक की तैयारी हो रही है तो अभिषेक भी चल रहा है कई जगह पर, वहाँ पर जैसे कि अभिषेक चल रहा है, और भी जैसे हमने बात की थी लोगों से तो यहाँ पर अभी कृष्ण जन्माष्टमी है तो अभी तो दिन है लेकिन और भी रात के लिए भी काफ़ी तैयारियाँ हो रही हैं, रात में जो है वो भगवान जी का जन्म होगा तो उसको लेकर बहुत जो मंदिर है उसमें भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आरती हो रही है, लोग बिल्कुल भक्तिमय हो गए हैं कृष्ण की भक्ति में। आइए लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या भावनाएँ हैं कृष्ण भक्ति को लेकर। सर कृष्ण भक्ति को लेकर क्या भावनाएँ आपकी? मेरी भावना भक्ति के प्रति है, भक्ति है बस, भावना भक्ति से भरपूर है। इस्कॉन से आप मतलब किस तरह से जुड़े, या आप इस्कॉन टेंपल ही क्यों आए? इस्कॉन टेंपल में जो इस्कॉन मेहनत करता है भगवान को लेके वो बहुत सराहनीय है, तो उनके हर एक एक्शंस में भक्ति है, जिस तरह से डेकोरेशंस होता है और जितनी मेहनत लगती है वो पूरी भगवान को ही अर्पित होती है, तो वो भगवान के प्रति जो डेडिकेशन है उसी को देख के इस्कॉन हमको आकर्षित करता है। तो जिस तरह से देखा आपने इस्कॉन काफ़ी पॉपुलर है, सिर्फ यहाँ लखनऊ में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता है और कृष्ण भक्त कृष्ण से लोगों को जोड़ता है, कृष्ण की भक्ति से लोगों को जोड़ता है। जहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल जो हरि भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, उसमें हरे राम हरे कृष्ण का जप हो रहा है, सब लोग बिल्कुल नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और बस देख रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव पर कि आप सब भगवान को मानते हैं कि भगवान की मानते हैं? अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप भगवान को फिर पूरी तरह नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप भगवान की मानते हैं तो आप भगवान को मानते हैं। तो मेरा निवेदन है भगवान की मानिए, भगवान को तो सब बोलते हैं, हम भगवान को मानते हैं, माता पिता को लोग मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते हैं, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं भगवान की नहीं मानते हैं, तो ये समाज की प्रॉब्लम है। तो आप सबसे निवेदन है कृपया आप भगवान की मानिए। अब आप कहेंगे हम भगवान की कैसे जानेंगे, तो आप भगवान की जान सकते हो भगवद गीता के माध्यम से, भगवद गीता में भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, तो भगवान के द्वारा स्वयं उनके मुखारविंद से ज्ञान दिया जा रहा है, बताया जा रहा है तुम कौन हो, भगवान कौन है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आप सबसे निवेदन है भगवद गीता को पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपना मनुष्य जीवन सफल करिए और सत्संग करिए, मंदिर आइए। हम एवरी संडे शाम को 5:30 बजे यहाँ निःशुल्क गीता क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो आप लोग आएंगे तो आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। सुबह से तैयारियाँ चल रही हैं, 4:30 बजे मंगला आरती हुआ, श्रृंगार आरती और गुरु पूजा, और उसके बाद सारे भक्त आप देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, पंडाल अभी वहाँ दिव्य चेतना जागृति आंदोलन
की शुरुआत होगी 2 बजे से और 4 बजे तक यहाँ यूथ के लिए प्रोग्राम होगा। अभिषेक शुरू होने वाला, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राधा रमन बिहारी का अभिषेक का शुभारंभ होने वाला है, जो कि अभी निरंतर चलेगा रात्रि 12 बजे तक, दूध दही शहद और 1008 तीर्थों के जल से। और 12 बजे जब भगवान का जन्म होगा, उस समय भव्य आतिशबाजी होगी और सभी भक्त जो कि सुबह से व्रत हैं उन सब के लिए प्रसाद होगा। तो जिस तरह से देखा आपने कि कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लोग बिल्कुल कृष्णमयी हो चुके हैं, राधे राधे हरे कृष्ण का मंत्र जाप हर तरफ हो रहा है, बिल्कुल वो कृष्ण की भक्ति में डूब चुके हैं। साथ ही जो यहाँ के जो जिनके अंडर में ये पूरा इस्कॉन टेम्पल आता है, जो प्रभु जी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी ही नहीं, बल्कि आप जो अदर डेज में यहाँ पर जो भगवद्गीता है उसका पाठ कराया जाता है, हर संडे को फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप यहाँ पर ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही ये जो कृष्ण मंदिर है ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि इस्कॉन जो संस्था है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कृष्ण की भक्ति से लोगों को जोड़ने का काम करती है। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं महिमा शर्मा, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।